अभी यहाँ दरगाह में आया। चार लोग हैं तो चारों जने में से सिर्फ मैं एक आया हूँ और कॉलेज में यहाँ पे क्लास में कोई नहीं है। कॉलेज में तो बहुत सारे हैं, क्लास में कोई नहीं है, तो यहाँ पे मैं अकेला ही कोड विद थेरी के वीडियोस देख रहा हूँ ताकि कुछ समझ में आ जाए। लैंग्वेजेस सी प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, तो उनके वीडियोज़ देख रहा हूँ। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, कोई भी नहीं है, पूरा में कोई भी नहीं है एंड बोर्ड भी ऐसा खाली खाली पड़ा है। ठीक है, कोई भी नहीं है पूरी क्लास के अंदर। कॉलेज से आ चुका हूं और अब मैं अपनी हॉस्टल की ओर जा रहा हूं और यहां पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है। मैं 2 किलोमीटर का रास्ता तय करके आया हूं और अब हॉस्टल जा रहा हूं मैं। ओपन कर लेते हैं, हम इसको रख देते हैं और हमारे जूते हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। मैं रूम के अंदर एंड मैंने खाना वाना सब खा लिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा बहुत थक चुका हूँ तो थोड़ी बहुत नींद आएगी तो नींद लूँगा, नहीं थोड़ा सा मोबाइल चलाऊँगा। फिर मोबाइल चलाने के बाद कुछ होती है एक्टिविटीज़ वो करूँगा। ठीक है, और अब तो रूम के अंदर आ चुके हैं तो थोड़ा फ्रेश व्रेश होके आते हैं एंड वापस से अपने बिस्तर पर जाते हैं। ये मेरी कुछ खाने की चीज़ें थी जो मैंने पहले क्या किया, इसको यहाँ पे रखा था मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे इनको चींटियाँ खा गई, बहुत सारी चींटियाँ आ गई। तो यहाँ पे तो मैंने सोचा कि यार इसका क्या इलाज किया जाए, फिर इसको मैंने यहाँ से किया, इसको इस दीवार से थोड़ा सा दूर किया, थोड़ा कुछ लगा के ताकि चींटियाँ इस तक ना पहुँच सके और इससे चढ़कर चींटियाँ यहाँ तक आती ही नहीं है। तो अब यह सिस्टम बहुत अच्छा तगड़ा सिस्टम है, यहाँ पे चींटियाँ अब नहीं आती है और आराम से मेरी जो खाने की चीज़ें हैं वो यहाँ पर लटकी रहती है। सबसे ज़रूरी चीज़ मेरे रूम की ये है मोर्टिन, अगर ये नहीं होगा तो मैं इस रूम में रह ही नहीं सकता क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा है और रात को या सुबह इसको लगाना ही पड़ता है। अगर आपको सोना है या कुछ करना है तो यहाँ पे इसको ऑन करना ही पड़ेगा मोर्टिन को।